तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है एट्रल सेप्टल डिफेक्ट। सो सबसे पहले क्या है एट्रल सेप्टल डिफेक्ट, उसके बारे में जान लेते हैं। एट्रल सेप्टल डिफेक्ट जो है, ये एक प्रकार की कॉमनेस कॉन्जेनाइटल हार्ट की बीमारी है जो कि एडल्ट्स में देखी जाती है, और यूएसए में ये 1 in 700 बेबीज़ में भी हो जाती है, क्योंकि ये जन्म से होती है और बाद में प्रोमिनेंट अडल्ट लाइफ में होती है। तो इस वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में इतने प्रॉब्लम नहीं होती है। और सम टाइम इसको हम जिस नाम से जानते हैं वो होल इन द हार्ट, दिल में छेद है, इसके बारे में आपने कॉमनली सुना ही होगा। और ये हमेशा इंडिया के बहुत सारे एरियाज़ में अफेक्ट करता ही है, स्पेशली रिमोट एरियाज़ जो हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेंसी इनकी बढ़ जाती है। बिकॉज़ क्योंकि कॉन्जेनाइटल में आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, ये जन्म से होता है, तो इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन अराइज़ हो जाते हैं। अब फ्रेंड्स, आगे मैं बात करूँ तो इसके टाइप्स क्या हैं। टाइप्स अगर देखें तो ऑस्टम सेकेंडम इसका टाइप है, ऑस्टम प्राइमम इसका टाइप है, और साइनस विनोसस है। तो सबसे पहले ऑस्टम जो सेकेंडम है, एक प्रकार का कॉमनेस्ट इसके अंदर देखा जाता है। 74% ऑफ द पॉपुलेशन में ये आपको देखने को मिलेगा। और ये क्यों हो जाता है, क्योंकि डिफेक्टिव फॉर्मेशन हो जाता है सेप्टम सेकेंडम का, इसलिए फ्रेंड्स ये देखने को मिलता है। अब आगे बात करें फ्रेंड्स अगर ऑस्टम प्राइमम की, तो ये 20% पॉपुलेशन में हमेशा देखा जाता है, लेकिन ये रेयर होता है, क्योंकि ऑस्टम जो सेकेंडम है वो कॉमनेस्ट है, लेकिन ये रेयर होता है। और यहाँ पे भी डिफेक्टिव फॉर्मेशन जो होता है वो सेप्टम प्राइमम का होता है, और इसको एसोसिएटेड होता है लगभग लगभग 20% केसों में डाउन सिंड्रोम के। डाउन सिंड्रोम के बारे में फ्रेंड्स मैं आपको अलग से एक वीडियो डाल के बता दूंगा, जिसमें ट्राइसोमी हो जाती है क्रोमोसोम नंबर 21 की, और बहुत सारे फीचर्स दिखते हैं जैसे क्लबिंग दिखती है, और जो बेबी होते हैं वो शॉर्ट स्टैचर होते हैं, और मतलब फॉरिंग ऑफ माउथ और डिफरेंट अदर कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिलते हैं। सो आपको डाउन सिंड्रोम के बारे में पता लग जाएगा। इसके बाद में साइनस विनोसस की अगर मैं बात करूं, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं 5% ऑफ एट्रल सेप्टल डिफेक्ट, मीन्स 5% ऑफ दिस कैटेगरी में आते हैं ये। उसके बाद में ये है ना सुपीरियर वेना कावा या इन्फीरियर वेना कावा के आसपास के एरिया में हो जाता है, इसलिए ये नियर टी एरिया दो। अब आगे की अगर मैं बात करूँ जैसे चेंजेस क्या हो जाते हैं, तो फ्रेंड्स चेंजेस में क्या होता है, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है नॉर्मल हार्ट का आप फ्लो जानते ही है। सबसे पहले ब्लड जो रिसीव होता है वो राइट एट्रियम में ब्लड रिसीव होता है, किससे, सुपीरियर वेना कावा से, और जो राइट वेंट्रिकल है वो इन्फीरियर वेना कावा का ब्लड रिसीव करता है। अब उसके बाद में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमेशा राइट साइड में होता है, तो ये ब्लड आपकी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है। लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होने के कारण आपको फिर जो कि बेनिफिट क्रिएट होता है अगर आपको ये डिसीज़ नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको ये बीमारी होती है तो आपका ब्लड फिर नॉर्मल प्रोसीजर से एरोटा में पहुंच जाता है, और फिर उसके बाद में पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है अगर आप नॉर्मली हो। लेकिन क्योंकि यहाँ पे वॉल्ट का एक प्रकार से डिफेक्ट आ रहा है, तो इसके कारण जो ब्लड हो जाता है वो शंट हो जाता है राइट साइड की तरफ। तो राइट साइड की तरफ अगर ब्लड शंट हो जाएगा फ्रेंड्स, तो जो एरिया होता है राइट वेंट्रिकल का वो पर्टिकुलरली थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, साइज़ में भी हाइपरट्रॉफी वहाँ पर हो जाती है। अगर मैं बताऊँ आपको तो अगर डिफरेंट टेस्ट होते हैं उनसे आपको पता लग जाएगा। अब इससे जो एसोसिएटेड जो सिंड्रोम है वो आइजनमेंगर सिंड्रोम है, जो कि बहुत ही कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपके हार्ट में अगर होल हो जाता है, आपके हार्ट में होल हो जाता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों चैम्बर के बीच में ये प्रॉब्लम आ जाती है, इसके कारण देखने को मिलता है। और ये हमेशा इसके कारण क्या होता है कि प्रेशर जो होता है वो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारी बॉडी में साइनोसिस भी देखने को मिलता है। अब फ्रेंड्स आगे जिसकी बात करें, तो आगे इसके साथ में जो सिंड्रोम और भी एसोसिएटेड होते हैं वो ल्यूटम-बेकर सिंड्रोम भी होता है और हॉल-टॉरम सिंड्रोम भी होता है। लेकिन जब मिट्रल स्टेनोसिस जो होगा, जो वॉल होती है, अगर वो एएसडी से रिलेटेड होता है या एसोसिएटेड होता है, तो हम ल्यूटम-बेकर सिंड्रोम बोलते हैं इसको। और स्केलेटल डिफॉर्मिटी अगर आ जाती है तो इसको हम हॉल-टॉरम सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। अब आगे फीचर्स की बात करूँ, सो फ्रेंड्स फीचर्स में जो देखने को मिलता है, क्योंकि आपको मैंने बताया ये कॉमनली फीमेल्स में होता है और एसिम्प्टोमेटिक होता है अनटिल द मिडल एज, है ना, जो कि 50 इयर्स के लगभग लगभग बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली अपने साइन शो करता है, लेकिन कुछ स्टेजों में अर्ली भी शो हो सकता है। तो इसके बाद में जो जनरल बिल्ट होता है वो इसका पुअर होता है, तो पुअर होने के कारण जो हो जाता है वो ग्रेसाइल हैबिटस, जिसको हम जिस टर्म को हम रिगार्ड करते हैं, तो ये चीज़ होती है।
अब सिम्टम वैसे तो इसके अंदर प्रोमिनेंटली बहुत डिफरेंट सिम्टम होते हैं, लेकिन अगर बेसिक देखा जाए कि भाई क्या कौन से सिम्टम होंगे, तो उसमें डिस्निया हो जाता है जो कि 65% केसों में होता है, पेल्पिटेशन मीन्स घबराहट हो जाती है, एरिदमिया हो जाता है, और फटीगनेस तो रहेगी क्योंकि आपका ब्लड अगर मिक्स हो रहा है तो आपके अंदर जो एनर्जी लेवल होना चाहिए वो नहीं रहेगा, और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी क्योंकि मैंने आपको बताया है अगर ब्लड लेफ्ट टू राइट शंट हो रहा है तो जो आपका कॉम्प्लाइंस मीन्स आपको जो वेट इंक्रीज होने में मिलता है मीन्स हार्ट के अंदर जो प्रॉब्लम आ जाता है वो मेनली ब्लड के फ्लो से आता है, क्योंकि जब ब्लड फ्लो एक पार्ट में ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाते हैं, तो बॉडी को एक प्योर जो ब्लड मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम अराइज हो जाती हैं। अब आगे मैं बात करूं फ्रेंड्स अगर डायग्नोसिस की, तो इसके अंदर फ्लोरोस्कोपी करोगे आप, फ्लोरोस्कोपी रिपोर्ट में आप देखोगे कि एक इसमें जो हिलर डांस है वो एक बहुत ज़्यादा रेवल होगा, और एक्सरे के अंदर प्रोमिनेंट पल्मोनरी आर्टरीज दिखेंगी, और एक कार्डियोकार्डियोग्राफी मिलेगा आपको, और ईसीजी भी आप देख सकते हो। अब ट्रीटमेंट की बात करूँ तो वैसे तो इसके अंदर कोई बेसिक आप मेडिकेशन नहीं है, लेकिन मेनली आपको जो ट्रीटमेंट करनी है वो सर्जरी ही करनी है, सर्जरी से ही ठीक हो सकता है पेशेंट, उसके अलावा कोई चांसेस नहीं है इतने ज़्यादा, सो आपको यही याद रखना है। और अगर मैं बात करूँ आगे कि आपको हमेशा कंसल्ट किससे करना है, तो आप है ना कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए, और वो आपको एक बेटर व्यू दे सकता है और आपको बता सकता है कि आपको डाइट में क्या सर्टेन चेंजेस करने चाहिए। डाइट में आपको कभी भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वाइटामिन सी ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो वो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। वाइटामिन सी हर एक कंडीशन में बेटर रहता है, लेकिन हार्ट की कंडीशन में बहुत अच्छा रहता है क्योंकि आपके जो प्लैक्स वगैरह इकट्ठा होता है उसको भी वो रिमूव करता है, और कॉन्जेनाइटली क्योंकि आपको जन्म से है तो ये डिफेक्ट ओनली सर्जरी से हो सकता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो और उनसे आपको प्रॉफिट हो सकता है। सो फ्रेंड्स आपको यही याद रखना है, और सर्जरी एक ही इलाज है जो आप ना कर सकते हो। सो फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हिट करिए बेल आइकन को। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं आगे ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर द सपोर्ट एंड केयर। थैंक यू फ्रेंड्स।